प्राचीन लंढौरा रियासत के गौरवमयी इतिहास का परिचायक, उसका प्रतीक चिन्ह ये रंग महल, जिसके प्रांगण में कभी राजशाही हुआ करती थी, राजाओं का राज्य होता था। 1950-51 के बाद सरदार पटेल साहब ने जब रियासत खत्म कर दी तो राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया, उस जनतंत्र की गवाही देता रहा। और आज उसी लोकतंत्र में सर्व समाज का सम्मान समारोह आयोजन किया गया है और उसमें आप सबके अपना शुभ आशीर्वाद देने के लिए, समारोह की भव्यता बढ़ाने के लिए हमारे आग्रह पर हमारे अग्रज मेरे साथ विधायक रहे विधानसभा में दो दो बार, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक बहुत ही संयमित बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, संगठन करता है भाई महेंद्र प्रसाद भट्ट जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। अगर कृष्ण पाल कहें तो एक शेर कह दूं इनके लिए भी। जी जी अध्यक्ष जी तवज्जो चाहूंगा, इरशाद तो कह दीजिए उर्दू में, जरा तहजीब तवज्जो ज्यादा होती, इरशाद कह दीजिए। मुझे क्यों ना हो तेरी आरजू, मुझे क्यों ना हो तेरी आरजू, तेरी जुस्त जू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार। राव फुरकान राजा साहब की जय हो, राजा साहब की। तो मैं खैर मकदम करते हुए, आपका इस्तकबाल करते हुए आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच, परम सम्मानित विधानसभा क्षेत्र के हमारे आदरणीय निवासीगण, और मात्र विधानसभा क्षेत्र मत समझिएगा, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र गंगा का जल जहां कल 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 करते हुए यमुना का जल बहता है, उसी प्रांगण से सहारनपुर से भी, जहां का मीरकपुर बुलंद गांव है, जहां बहुत से गांव इस तरह के हैं जो बुलंदगी के लिए मशहूर हैं, उत्तराखंड में टिकोला और बहुत से गांव, लक्सर विधानसभा क्षेत्र के बहुत से गांव, जहां से हर समाज, हमारा सम्मानित चौहान समाज, सम्मानित सैनी समाज, सम्मानित मुस्लिम समाज, सम्मानित वीर गुजर समाज, सम्मानित चमार समाज, सम्मानित सिख समाज, सम्मानित जितने भी समाज है सबका नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन आप यहां एक एक कदम उठा के आए हैं, आपका एक एक कदम मेरी पलकों पर है। मैं आप प्रणाम करता हूं आपके चरणों में, सादर प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत तरह की बातें उठती हैं कि चुनाव हार गए, कौन कहता है हार गए, मैं तो नहीं मानता। शोभा राम जी, भाई शोभा राम ने कहा कि कुंवर साहब आप तो हारे नहीं, जिला अध्यक्ष जी ने, मैंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जी 54 इंच का सीना रखता हूं, इतने जल्दी हारने वाला नहीं। हार तो जानता ही नहीं क्या है, खुदा का फजल कह लो, ईश्वर की कृपा कह लो, गॉड का ग्रेस कह लो, चैंपियन ने हारना नहीं सीखा। चाहे पढ़ाई में रहा दो चैंपियन, खेल में स्पोर्ट्स में रहा दो चैंपियन, और इंशाल्लाह राजनीति में आया दो चैंपियन रहा। ये तो वक्त की बात थी, वक्त हर की हर शय गुलाम हुआ करती है, वक्त कभी समानांतर नहीं हुआ करता है। लगातार इन जनता ने, महान जनता ने 20 साल जिताया है, कोई दूसरा मां का लाल तो दिखा दे। हरिद्वार में जितने 7 चुनाव जीते हो, 4 विधायक के और 3 जिला पंचायत के, एक ही विधानसभा क्षेत्र से, नमन करता हूं आपको बार बार सिर झुका करके। मुझे कोई गिला नहीं है 2022 के चुनाव के रिजल्ट का, बता दूं, कर्मवीर मनुष्य, योद्धा मनुष्य, वीर मनुष्य कभी कभी वक्त की बात नहीं होते, वो ऐसा नहीं सोचते कि होए वही जो राम रचि राखा, बल्कि अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म बल से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। फॉर्चून फेवर द बोल्ड, हिम्मत मदा तो मदे खुदा, ये कहा गया है। आप देखिए, नेपोलियन के हाथ में भाग्य की रेखा नहीं थी, नेपोलियन ने कहा इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव वो शब्द है जो बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। एक छुरा लिया और अपने हाथ को ऐसे काट दिया, भाग्य की रेखा बना दी। तो भाग्य की रेखाओं में जीने वाला मनुष्य प्रगति नहीं करता है, मनुष्य वो जीतता है जो अपने कर्म से खून पसीना बहा करके अपने हाथ में भाग्य की रेखा पैदा कर ले। आज जिंदाबाद की जरूरत नहीं, आज
ये भीड़ इस बात की गवाह है, मैं कहता हूं कि जैसे हम विधानसभा का चुनाव जीत कर के आए, आपको कहना चाहता हूं इस तरह की भीड़ आई, कमाल बात है। मैं कहता हूं सिर्फ 3 दिन का समय मुझे मिला था, 15,000 हमारे साथी यहाँ पे आए, मैं बहुत बहुत आभारी आपका हूँ, हर समाज का आभारी हूँ। मेरी पर्वतीय मूल की बहनें बैठी हैं, मुझे भाई की तरह मानती हैं, लगातार 10 साल इनकी सेवा की है और सेवा तो अब भी कर रहा हूँ। सरकार मेरी है, मेरा छोटा भाई पुष्कर सिंह धामी 21 साल से जो मेरा मित्र है, भले ही मैं कांग्रेस में रहा, भले ही वो बीजेपी में रहे, लेकिन हमारी मित्रता जो की तू रही, आज उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री है, जो काम कहता हूं काम चलता रहेगा। आपको बता दूं, आप जानते भी हैं इस बात को, विकास के लिए आपको किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, जो हम आप मुझे ला करके देंगे, हम कहेंगे भाई प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह भट्ट जी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे काम मुतवातिर होंगे, आपको बता रहा हूं। विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करूंगा कि हार का रोना ना रोएं।